सियासी तौर पर महाराष्ट्र के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, अहम दिन है। मुंबई में आज तमाम राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। सबसे अहम मीटिंग सुबह 11 बजे अब से एक घंटे बाद होगी शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर, जहां महाविकास आघाड़ी की ये बैठक है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रमेश भी इसमें मौजूद रह सकते हैं। और दूसरी अहम मीटिंग होगी एमएनएस की, राज ठाकरे के घर पर ये मीटिंग होगी, जिसमें क्या वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे ये चर्चा होगी। क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा था एमएनएस के राज ठाकरे गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की थी। और तीसरी अहम मीटिंग आपको बता दें एकनाथ शिंदे शिवसेना के सांसदों और विधायकों की होने जा रही है, जो कि वर्ली में होगी। चौथी कांग्रेस भी मीटिंग करेगी, दोपहर 1 बजे वो वक्त है जब तिलक भवन में कांग्रेस की मीटिंग होगी। और इन तमाम मीटिंग्स पर हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। पल पल की जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद पवार के घर के बाहर मौजूद हैं सुनील सिंह और साथ ही रौनक है, जो कि आज शिंदे गुट की बैठक हो रही है, राज ठाकरे भी एक बैठक कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 11 बजे जो मीटिंग है शरद पवार के घर पर, सुनील सिंह वहां पर मौजूद हैं। सुनील, 11 बजे आज महाविकास आघाड़ी की मीटिंग है, सीट शेयरिंग अभी भी एक मुद्दा है, क्या कुछ आज मीटिंग से उम्मीद की जाए, बताएं क्या क्या होगा आज? देखिए जया, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और महाराष्ट्र में हम कहें तो विदर्भ की जो 5 सीटें हैं उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, यानी कि वहाँ पर फॉर्म अब भरा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग का अभी तक फार्मूला जो है वो तय नहीं हो पाया है, लिहाजा अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। इसीलिए आज आनंद फानंद में महाविकास आघाड़ी की बैठक रखी गई है, जो कि शरद पवार के सिल्वर ओक के घर में है। और इसमें एमबीए के जो प्रमुख घटक हैं शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की तरफ से संजय राउत उपस्थित रहने वाले हैं, अभी वो आए नहीं हैं, उनका इंतजार हो रहा है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाना पटोले जो हैं वो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा एनसीपी शरद चंद्र पवार के जो दूसरे बड़े नेता हैं जैसे अनिल देशमुख हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बैठक बहुत अहम बैठक आज का दिन माना जा रहा है, क्योंकि फैसला लेना है। जो अभी तक का फार्मूला है वो यही है कि 20 जो है वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के हक में जाएगी, 18 जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है और 10 जो है कि वो शरद पवार के एनसीपी को मिल सकती है। लेकिन इसमें जो दूसरे घटक दल हैं उनको साथ में लेना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसी स्थिति में जबकि एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रहा है और एमएनएस को साथ में ले रहा है तो और दबाव बढ़ गया है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो प्रकाश जो आम्बेडकर हैं, हालांकि वो अभी भी तय नहीं किया है उन्होंने अपना रुख, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि वो एमवीए के साथ आना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा है। और अब तो उन्होंने आखिरी बार में ये भी कह दिया कि अब उनको पवार से और शिवसेना से बात नहीं करनी है, सीधे कांग्रेस से बात करेंगे। और कांग्रेस से कह दिया था कि 7 जो सीटें वो बताएं वहाँ हम उनको समर्थन करेंगे, लेकिन कितनी सीटें उन्हें चाहिए वो उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। तो वो अभी एक मामला अटका हुआ है, उस पर शायद आज फैसला हो जाए। और अभी तक जो जानकारी है कि 4 सीटों का उन्हें ऑफर दिया गया है, अब वो 4 सीटें कांग्रेस से एनसीपी और शिवसेना के किसके कोटे से कम होगी वो देखना होगा। इसका दूसरा है स्वाभिमान शेतकरी संगठन के राजू सेट्टी है, जो कि हाथकणंगले की 1 सीट मांग रहे हैं और एक माढ़ा मांग रहे हैं 2 सीट, उस पर भी फैसला होना है। ये दोनों सीटें शायद शरद पवार की जो एनसीपी है उसके कोटे से जा सकती है। तो बहुत अहम दिन है, इसीलिए आज फैसला इन्हें लेना है। इसीलिए आज जो प्रमुख जो घटक हैं 3, कांग्रेस एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता यहां पर आज एकत्रित हुए हैं। और आज बहुत मुमकिन है कि फैसला हो जाना चाहिए इनका आपस में सीट शेयरिंग को लेकर जो अटका हुआ है। उसके बाद 1 बजे कांग्रेस की प्रदेश कार्यालय जो तिलक भवन है उसमें बैठक होनी है, जिसमें कि रमेश चेन्नीथला भी कांग्रेस प्रभारी हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे और शायद वहाँ पर कुछ घोषणा की जा सके। बिल्कुल, अब रौनक का रुख करते हैं, जो कि राज ठाकरे के घर पर भी आज मीटिंग होनी है, देखना होगा क्या वो एनडीए का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। और शिवसेना शिंदे गुट की भी मीटिंग है, रौनक आप इस मीटिंग पर नजर रखेंगे, बताएं। हमने सुनील से जाना कि दूसरे धड़े में महाविकास आघाड़ी में क्या फॉर्मूला तय हो रहा है, एनडीए में क्या सुगबुगाहट चल रही है, बताएं विस्तार से थोड़ा। जी देखिए, निश्चित तौर पर एनडीए के लिहाज से भी आज का दिन इम्पॉर्टेंट है। दरअसल राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ अंदर खाने बातचीत हुई है उसकी जानकारी आज उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को देना है। मुख्य तौर पर 1 सीट राज ठाकरे और उनकी पार्टी मांग रही है, वो कि दक्षिण मुंबई की सीट है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में ये सीट बीजेपी देने जा रही है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है फिलहाल ये सीट जो है वो बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी उन्हें विधान परिषद की 2 सीटें ऑफर कर सकती है, जो कि राज्यपाल के कोटे से आती है, क्योंकि वो सरकार का अधिकार होता है
मुख्यमंत्री का अधिकार होता है वहां पर किसे कौन सी सीट देना, तो हो सकता है कि वो दो सीट विधान परिषद की उन्हें मिले। अब उस पर कार्यकर्ताओं की क्या राय है उसको लेकर राज ठाकरे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि राज ठाकरे आने वाले दो दिनों में एनडीए का हिस्सा होंगे, इसकी अधिकृत तौर पर घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। अब दूसरा कि शिंदे कैंप की आज इंपॉर्टेंट मीटिंग बरली के डोम इसमें हो रही है, जहां पर राज्य भर के तमाम जो जिला अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है, और आज ये हमें सूत्र बता रहे हैं कि लगभग जो शिवसेना कोटे की सीटें हैं उसके लगभग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान देर शाम तक शिंदे की तरफ से कर दिया जाएगा। शिंदे 13 सीट मांग रहे हैं और 13 की 13 सीट लगभग उनको मिल सकती है, इस तरह के संकेत जो है वो हमें सूत्र बता रहे हैं। तो उनके जो 13 सांसद है वो यहाँ पर रिटेन कर पाएंगे, लेकिन सभी को टिकट मिलेगी क्या, या कुछ लोगों की टिकट कटेगी जो मौजूदा सांसद है, उस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। जी